बनाती हूँ यही है कि पब्लिक से दोस्ती करो। कभी दस्ताए माशाल्लाह मानवा माशाल्लाह तरा माशाल्लाह। तो बहुत अच्छे भाई है, बहुत अच्छे दोस्त है, और सबसे बड़ी बात कि बहुत अच्छे इंसान है अमान भाई। आपको ये इवेंट कराची का जबरदस्त है माशाल्लाह, बहुत अच्छे माशाल्लाह। आप खुद जी बिल्कुल आप खुद क्वेटा से यहाँ पे आए स्पेशली इवेंट के लिए। ओके हमारे मानना भाई को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नहीं बहुत जबरदस्त कंटेंट बनाते हैं आप, बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू आपको भी पैसा चाहिए। Assalamu alaikum, what is up and welcome in this another video. I hope you all found it cool and having fun. Right now I can see myself in a culture dress. Why? Because it's first March. अभी मैं अपना फोटो सेशन और टिकटॉक सेशन मैंने ख़त्म किया, जिसके लिए मेरे ये ड्रेसिंग पहनी भी है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चुके लग गई है। ठीक है, और कल है 2 मार्च, 2 मार्च मीन्स कल्चर डे होगा। तो कल जो है ना बहुत सारे इवेंट्स होंगे जहाँ पे हम जाएंगे, मतलब मैं और मेरे साथ आप लोग जाएंगे, और हम बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी करने वाले हैं। सो 2 मार्च के दिन काशिफ भाई, व्हाट इज 2 मार्च फॉर यू काशिफ भाई? ओ माय गॉड, ही इज जस्ट बिजी इन हुक्का। से व्हाट इज 2 मार्च फॉर यू? वेल इट्स बलोच कल्चर डे, सो आई एम गोना सेलिब्रेट। यू वांट सेलिब्रेट? या सो डू आई, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। मैंने उसके लिए ड्रेस भी सिलवाई अलग से जो रखी हुई है मेरे पास, उस सेट पर ड्रेस रखी हुई है, लेकिन वो आप मुझ पर कल देखेंगे। एंड मोहसिन, व्हाट डू यू से अबाउट बलोच पीपल? एनी कमेंट फॉर अस? एनी कमेंट फॉर अस बलोच पीपल? तो क्या कमेंट कर सकता हूँ उनके बारे में? उनके नहीं, हमारे बारे में क्या बोलो? तो सही क्यों बोलेंगे, बोलने पर पसंद नहीं क्यों? ठीक है, तुम कुछ नहीं बोलो, हमें कोई कमेंट की जरूरत नहीं। वी आर ऑलरेडी बोल रहा हूं, ऑल द बेस्ट फॉर बलोच पीपल। ऑल द बेस्ट क्यों? वी आर ऑलरेडी इन लक। यू लव बलोच कल्चर? या बेसिकली क्या होता है, जो मैं आई हैव सीन पीपल ना, कि हमारी जो ट्रेडिशनल ड्रेस होती है, मीन्स बलोच की जो ट्रेडिशनल ड्रेस होती है, वो ज़रा सी खूबसूरत डिज़ाइन करती है। आई नो कि तमाम कल्चर खूबसूरत होते हैं, पंजाबी, पख्तून एंड ऑल कल्चर्स आर ब्यूटीफुल, लेकिन एज अ बीइंग बलोच मुझे जो है ना ये कल्चर बहुत अच्छा लगता है। और ये पाग जो मैंने बांधी है, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग गई है। हाँ, इससे मैं उधारी हुई है। हाँ, सबको पता है, एवरीवन नोज। सो गाइस, मिलते हैं कल। आप दोबारा से हुक्का चला गए हो? कैन आई सी दिस? ये रहे वो बुझते कोयले जो अभी हमने ख़त्म किए हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे हबल बबल वगैरह यू नो फुल, तो अब हम इसकी क्लोजिंग कर रहे हैं, हम जा रहे हैं बाहर। तो बाहर हम करेंगे थोड़ा चिल आउट, और ब्लॉग को मैं बाद में कंटिन्यू करूँगा। तो अल्लाह हाफिज़। नो, अल्लाह हाफिज़ के ब्लॉग एंड नहीं करना, तो मिलते हैं थोड़ी सी देर के बाद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे। कल थी 1 मार्च जब मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था, और आज है 2 मार्च। तो आई एम गोइंग टू फाइनली मीट रील, जहाँ पे मुझे अपना सेगमेंट स्टार्ट करना है। हम थोड़ा शायद लेट हो चुके हैं और पोर्टलैंड की तरफ निकल चुके हैं। अब वहाँ पे जो सेगमेंट होगा, तो उसमें बैक स्टेज आपको साले मेरे साथ नजर आएगा मुकम्मल ब्लॉग में, क्योंकि मोहसिन और काशिफ भाई दोनों नहीं आ गए, और साले भी आ गया था पहले भी और अभी भी आ गया। बस ये थोड़ा जो है ना वफादार टाइप का है ना। वहाँ पे ताबिश भी पहुँच चुके हैं, जिन्होंने मुझे मैसेज किया था, और बाकी जो गेस्ट हैं वो भी पहुँच चुके हैं। सो लेट्स गो टू पोर्टलैंड एंड स्टार्ट द इवेंट। Here, you guys, we are finally here. We have reached to Portland event. Right now we are here at big stage. All the people have arrived here. Just our number is 13. Okay, the event number is 13. Right? Where I'm gonna type out online on the stage. Gonna be live here, as I announced in my last videos. After that segment, I'm gonna go out. I'm gonna show you the old Portland, the old. I'm saying to you. Special thanks for Amani for this. For these old cultural dress, okay, it's by me, okay? And yeah, what was I saying? I was saying that from here, I'm gonna show you out, I'm gonna show you all the stalls and all the beautiful culture of Baloch people, because you guys already know that I'm a Baloch guy, but it doesn't look like by my, you know, nature, by my skin style. So gonna show you all the... I would like to say something about Amani. You would like, yeah, say. Do you know what? He's gonna say something in Balochi. Carry on. Chone washe brata. See? Instead of these words, I cannot speak Balochi. Okay? So, being here, I'm gonna uncontinue this camera and gonna start outside. And when I will be there on the stage, he's gonna have my video that I will aid in this the same vlog, okay? So, be here with me. Okay. Take care. You can see.
बलोच कम्युनिटी स्पेशली द ब्यूटीफुल पार्क ओके ऑन द हेड ऑफ बलोच पीपल ऑल आर वेयरिंग द सेम पार्क मोस्टली मोस्ट ऑफ द पीपल आर वेयरिंग वाइट एंड ब्लैक ओके बिकॉज द मोस्ट कॉमन कलर इज ब्लैक एंड वाइट दैट्स व्हाई दे ऑल आर वेयरिंग द सेम पार्क ऑफ कोर्स व्हाट Okay, Kashif and Mohsin are not with us. So, what do you say about that? They must be getting so jealous about this. Actually, I offered them to come here, but they rejected my offer. They rejected, very rejected. Okay, they first they told me they were gonna come. I'm the only one. Not saying, but I put Kashif. I'm not saying. That's why. So you guys, right now you can see someone is here with me, Tavish Hussain. Assalamu alaikum, Balochkom, Balochraj, how are you? All right, everyone from our side, all the people, and the whole of Pakistan from our side, Baloch Culture Day, Mubarak, and Aman Bhai, mashallah, are very good vloggers, my favorite too, follow them and see them. Okay, Tavish's own channel, which started. तकरीबन 4-6 महीने हो गए बिल्कुल 6 महीने 6 महीने हो गए उनकी मोनेटाइजेशन भी जो है ना अभी स्टार्ट हुई है रिसेंटली सो आई एम गोना गिव अ लिंक इन दिस ऑफ दिस व्लॉग उस व्लॉग के जो ना डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी जहाँ से आपको ताबिश का सॉन्ग्स मिल सकते हैं उसके अपने चैनल से और वो अपलोड करता रहता है मतलब एक्टिव है काफ़ी उस पर सो व्हाई डोंट यू फॉलो हिम और ताबिश की अगर परफॉर्मेंस है कौन सा गाना है मतलब आपका फेवरेट कौन सा है जो अभी फेवरेट जो है वो मॉडल स्कूल शंते बदला में कभी दस्ताएं माशाल्लाह मानवा माशाल्लाह तरा बता माशाल्लाह तो बहुत अच्छे भाई है बहुत अच्छे दोस्त है और सबसे बड़ी बात कि बहुत अच्छे इंसान है अमान भाई अल्लाह ब्लेस यू अमान भाई थैंक यू सो मच कंटिन्यू ताबिश वेयर आर यू सो द इवेंट इज हियर फाइनली कब से मेरे साथ ही हो तुम गाइस फाइनली विद द होस्ट जो कि कब से जो है ना शो को होस्ट कर रही है तो इनसे कुछ तासुरात दे देते हैं शो कैसा चल रहा है आज का आप बताएं मैं तो होस्टिंग कर रही हूँ लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा है जी तो ये भी हमारी होस्ट जो कि बताएंगे कि शो कैसा इन्होंने कहा कि ये होस्टिंग कर रही है हमें पता हमें होना चाहिए कि शो कैसा जा रहा है हमारी तरफ से तो शी इज़ द बेस्ट होस्ट बाकी आप बताएं कि पब्लिक की तरफ से आप क्या मतलब कि जोश खरोश है सब में दो मार्च का दिन है और अब होस्ट हूँ होस्टिंग की मैं जो रूल बनाती हूँ यही है कि पब्लिक से दोस्ती करो बॉस जाहिर सी बातें भी हैं और बाकी आपका कोई पर्सनल आप बहुत अच्छे लग रहे हैं थैंक यू आपको कोई पर्सनल चैनल यूट्यूब पे जी मेरा चैनल अभी लॉन्च होने वाला है खान बलोच के नाम से अभी मेरा पेज है आप जरूर लाइक कीजिएगा खान बलोच के नाम से ठीक है स्टार्टिंग विद बासित अस्सलाम वालेकुम बासित आप लोगों ने पहले इनको देखा होगा टिकटॉक वीडियोस पे बैठा है तो बासित कैसा लगा आपको ये इवेंट कराची का जबरदस्त है माशाल्लाह आप खुद मतलब जी बिल्कुल आप खुद क्वेटा से यहाँ पे आए स्पेशली इवेंट के लिए ओके और आपका कोई पर्सनल चैनल यूट्यूब का या तो जैसे लोग टिकटॉक वो तो सबको पता है बाकी टिकटॉक से आपको इंटरेस्ट अभी मिल जाएगी So any message for our viewers? Any message? मतलब मैं बलोच का चलते हैं enjoy करो ये सिर्फ बलोचों के लिए ये देखो पाकिस्तान में मतलब हम भी पाकिस्तानी हैं बलोच कल्चर है यानी हमारे सब का कल्चर है आप लोग भी अपना है इंशाल्लाह बहुत अच्छे लगेंगे आप लोग थैंक यू सो मच बस एक और हमारे जो है ना बहुत जबरदस्त टिकटॉकर दे ओला कजन आपका कजन है ना सब यहाँ बस अच्छा कोई मैसेज हमारे जो है ना कम्युनिटी के लिए लाइटिंग तो आप सेलिब्रेट क्यों कल्चर डे हम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे हम तमाम कल्चर्स को सेलिब्रेट करना चाहिए इसी कुछ कल्चर नहीं हमारे प्रधान भाई जब कल्चर डे होगा तो हम वो भी सेलिब्रेट करेंगे और इस बार हम स्पेशली कराची वालों के लिए क्विटा है बेसिकली तो क्विटा में इस बार सेलिब्रेट करना था पर हम आए कराची इस बार कल्चर डे को सेलिब्रेट करने तो कैसा लगा आपको इन्वायरमेंट कराची का बहुत ज़बरदस्त थैंक यू बालाच इनका तो चैनल भी आई थिंक जो आप लोगों ने देखा नहीं होगा लेकिन देख लेंगे सर्च कर लेंगे बालाजी इज हियर
इनका आपके चैनल पे फिलहाल कितने सब्सक्राइबर्स चले हैं? 14,000 हो चुके हैं और अपने मर्जी जब लिंक डालूंगा तो इंशाल्लाह और भी ग्रोथ हो जाएगी इंशाल्लाह। तो वहाँ से एनी मैसेज फॉर आवर कम्युनिटी? बस यही मैसेज होगा कि हमारे मोहल्ला भाई को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नहीं बहुत जबरदस्त कंटेंट बनाते हैं। थैंक यू सर, हमें भी कर दीजिए। नहीं तो इनकी जो है ना लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में, इनके चैनल की लिंक डाला हूं जहां पे इनकी वीडियोस किस हवाले से होती है मतलब आप बता सकते हैं ना? उसमें अभी टिकटॉक है, कुछ ब्लॉग स्टार्ट करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाला हूं। तो यूट्यूब पे आप हमारे टिकटॉकर्स को भी देखेंगे और तमाम जो हमारे सोशल सर्कल पे लोग उनको देखेंगे। सो थैंक यू बालाज फॉर बीइंग। अस्सलाम वालेकुम, अनदर सेलिब्रिटी जो कि बहुत ज़्यादा फेमस उरूज फातिमा हमारे साथ है, जिन्होंने रिसेंटली गाना गाया था और उसमें मिलियंस के हिसाब से व्यूज आ गए विद अली जफर। ओके तो शी इज हियर, यू गाइस कैन सी हियर। हेलो सब, इट्स वेरी वेल, इट्स उरूज फातिमा एंड मैं मौजूद हूं फुटप्रिंट में। और आप सबको सबसे पहले बलोच कल्चर डे बहुत बहुत मुबारक हो। एंड कुछ देर में परफॉर्मेंस होने वाली है, तो जो लाइव देख रहा है या जो जिसके पास मोबाइल है तो वो जरूर देखना चाहिए। और उरूज फातिमा पर मैसेज, सो आपका जो फर्स्ट सॉन्ग होगा, जो फर्स्ट सॉन्ग होगा वो कौन सा है? मतलब यही ले लो गाने वाली में रखना चाहूँगी, तो उसको लास्ट में गाना चाहूँगी। ताबिश के साथ आपकी जो रिहर्सल थी वो बहुत सारे लोगों ने देखी भी एंड दे आर रियली एक्साइटेड टू सी यू, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर परफॉर्मेंस। और आपका अपना कोई पर्सनल यूट्यूब पे चैनल है? यू कैन अनाउंस इन इंग्लिश सो इंटरनेशनल लेवल पीपल कैन सर्च यू। गाइस मेरा चैनल है, सो गो एंड सब्सक्राइब एंड आई एम गोना पुट द लिंक इन अ डिस्क्रिप्शन। ओके थैंक यू उरूज फातिमा। A good actor is here, ठीक है? अब तो पक्का पक्का आपको इसका चैनल जो है ना, इनका चैनल सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। दोबारा से एक बार नहीं, चैनल का नाम सो चैनल का नाम है फ्रीकर्स, फ्रीकर्स फिल्म्स। स्पेलिंग स्पेशली FREKERS, और फिल्म्स का तो आपको पता होगा, दे विल इंशाल्लाह। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे क्या नाम है मिडिल के स्टॉल्स, ब्यूटीफुल कपड़ों के। Balochi Turban is also available here. Chone. Balochi shoes are there. Slippers are also there. Or Balochi shark. Yeah, it's beautiful one, seriously. Finally, backstage se thoda aage hum needle ke stalls ki taraf aa gaye hain. और आपको दिखाना So you guys can see some beautiful clothes also here. This one is good, okay? थोड़ी देर में हम निकलेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार फिर से बैक स्टेज जाएंगे जो कटिंग सेरेमनी होगी, उसको अटेंड करने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे। लेकिन अभी हम जाके पहले अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर डे, अनदर ब्यूटीफुल डे। मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था 1 मार्च को, जब मैंने पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं की थी, एक्चुअली हम तीनों ने मिला के की थी, मतलब कि चीज़ें हम तीनों ने मिला के ली थी, ठीक है? तो 1 मार्च को स्टार्ट हुआ था, 2 मार्च को जो था बलोच कल्चर डे जिसकी वीडियोज़ आपने देखी, आज है 3 मार्च। 3 मार्च वाली वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 मार्च की जो वीडियो है आज की, उसमें मुझे आपको बताना है 1 मार्च के हवाले से
फर्स्ट मार्च को जब सेकंड मार्च के हवाले से सॉरी, तो सेकंड मार्च को जब हम निकल गए थे घर से तो मैं अपने साथ कुछ चीज़ें भूल गया, कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें भूल गया, जिस वजह से जो मेरा सेकंड मार्च का अमेजिंग ब्लॉग था वह फ्लॉप टाइप का हो गया। लेकिन फिर भी हुआ नहीं क्योंकि उसका एंड नहीं बन सका, ठीक है, प्रॉपर ब्लॉगिंग नहीं हो सकी। पहली चीज़ मैं जो भूल गया वो था मेरा माइक, सेकंड चीज़ जो मैं भूल गया जल्दी निकलने के चक्कर में वो था इसकी सेकंड बैटरी, ताकि अगर अनचार्ज हो जाए मतलब इसकी बैटरी लो हो जाए तो मैं दूसरी बैटरी लगा लूं। उसके साथ जो तीसरी चीज़ भूल गया वो था मेरा मोबाइल, जिससे मैं टिकटॉक शूट करता हूं। मैं अपना दूसरा मोबाइल लेके गया था जिसका कैमरा थोड़ा मतलब कि आईफोन 6s है लेकिन उसका कैमरा उस हिसाब से नहीं है, तो मोबाइल भी भूल गया मैं अपना, ठीक है। फिर भी मैंने कुछ हद तक शायद टिकटॉक तो शूट नहीं की, बासित के साथ की थी, वो भी उसके अपने जो है ना एक्स मैक्स था या तो एक्स था आई थिंक उसमें, और उसके अलावा कोई टिकटॉक मैंने शूट नहीं की वहाँ पे। लेकिन मैंने व्लॉग शूट किया था और वो व्लॉग आपने देखा भी, तो व्लॉग से याद आया, बैक स्टेज पे जब मैं था कल तो बैक स्टेज पे जो है ना बहुत सारे टिकटॉक स्टार्स थे, क्वेटा के ग्रुप थे, आई वॉज़ ए यूट्यूबर, एज ए यूट्यूबर मैं वहाँ पे गया था, और हमारे जो है ना होस्ट थे काशिफ थे वहाँ पे, और उरूज फातमा जिन्होंने अभी रिसेंटली गाना गाया था लैला वलैला, जिनके इंटरव्यूज आपने देख लिए, ताबिश हुसैन माई बेस्ट फ्रेंड एंड अ बेस्ट पर्सन ऑल्सो, और बहुत सारे और भी लोग जो आई थिंक कैटवॉक के लिए गर्ल्स आए थी और आपके लिए बॉयज आए थे। और आप यकीन नहीं मानेंगे बट बैक स्टेज पे जितने भी लोग थे उन सबसे आई वॉज मीटिंग, कुछ लोगों से मैं मिल चुका हूँ, कुछ लोगों से मैं फ़र्स्ट टाइम मिल गया था, स्पेशली क्वेटा का ग्रुप जो था उनसे फ़र्स्ट टाइम मिला था, और काशिफ से और बाकी जो उरूज फातिमा थी, एंड यू वोंट बिलीव पर दे आर सो पोलाइट, ठीक है। एक बंदे को लगता है ना लाइक पहली बार कोई बात करता है तो थोड़ा यू नो अजीब तरह से करता है, तो उस तरह का बिल्कुल भी नहीं था, दे वॉर सो पोलाइट नॉट विथ मी बट विथ एवरीवन, ठीक है, हर किसी के साथ वो बहुत पोलाइट है। तो यही थी मेरी सारी स्टोरीज, सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे अगले ट्यूटोरियल या तो अगले ब्लॉग में, तो अल्लाह हाफिज टिल माय नेक्स्ट वीडियो। और गाइस उन तमाम टिकटॉकर्स का और उरूज फातिमा का और बाकी जितने भी थे वहाँ पे, ताबिश हुसैन का, उन सबके चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, एक बार ज़रूर चेक करें उनके चैनल, दे आर ऑल्सो मेकिंग ग्रेट एंड बेस्ट कंटेंट, सो चेक दम आउट।